नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं, रॉयल इनफील्ड की एक नई बाइक आई है, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे हंटर का, तो उसी का टेस्ट ड्राइव होगा और एक वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, ये है रॉयल इनफील्ड हंटर 350। और हंटर 350 यार काफ़ी कमाल बनाया है रॉयल इनफील्ड ने। आप एक बार ये लुक देखिए, ये मेट्रो वेरियंट है और ये कलर स्कीम रेबल ब्लैक है और ये फैक्ट्री ब्लैक। ये बेस मॉडल है जो रेट्रो उसका कलर है, इसमें एक सिल्वर कलर भी आता है और इसकी प्राइसिंग एक शोरूम चेन्नई आप देख सकते हैं। और ये मेट्रो वेरिएंट का डैपर वाइट कलर है जिसकी भी प्राइसिंग आप एक शोरूम चेन्नई देख सकते हैं। आपको अपने एरिया का प्राइस जानना है तो लोकल शोरूम पर जाके पता कर लीजिए। और ये फ़िलहाल रेबल ब्लैक कलर में मेट्रो हंटर 350 हमारे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड की तरफ से, जिसमें कुछ एसेसरीज़ भी लगी हैं, जैसे कि फ्रंट में वाइजर लगा हुआ है, नीचे आपको देख रहे होंगे इंजन प्रोटेक्टर लगा है, क्रैश गार्ड वगैरह, और ये LED इंडिकेटर्स भी, ये भी एसेसरी के पार्ट हैं। हेडलाइट हालांकि यहाँ पे हैलोजन ही आती है स्टैंडर्ड हर एक रॉयल इनफील्ड की बाइक की तरह। और यहाँ पे आपको 17 इंच के फ्रंट में टायर्स मिलते हैं अलॉय व्हील्स के साथ, और ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर्स हैं ये रेट्रो वेरियंट में। वहीं आपको पीछे ड्रम ब्रेक, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो यही है कि पीछे ड्रम ब्रेक है उसमें और अलॉय व्हील्स नहीं हैं। तो ये है, आप देखिए वही जे सीरीज़ का इंजन जो कि क्लासिक और मीटियोर में भी मिलता है, अब इस गाड़ी में भी आ गया है। और पावर और टॉर्क की अगर बात करें तो वो सेम है क्लासिक और मीटियोर की तरह ही, तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि राइडिंग पोस्चर वगैरह इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा चेंज लगा मुझे, मैंने जो भी 3-4 किलोमीटर चलाया, हालांकि कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सीट वगैरह का कुशन काफ़ी अच्छा है। और ये हंटर 350 का बैज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो ये स्विच गियर वगैरह है ये सारा कुछ आपको मीटियोर और क्लासिक नई वाली जो है उससे मिलता जुलता लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे, और ये जो इंस्ट्रूमेंट इसका क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही बोलेंगे आई बिलीव, तो ये इसमें भी आपको रॉयल इनफील्ड जो मीटियोर आती है उससे बिल्कुल मतलब सिमिलर क्या सेम है, वही यूनिट इसमें भी लगाया गया। तो दोस्तों, इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप मीटर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह मिलती है, और कुछ इस तरह की चाबी है नए वाले मीटियोर से मिलती जुलती। आइए एक बार इसका इंजन का आवाज़ सुनते हैं। दोस्तों, इंजन तो वही सेम है क्लासिक और मीटियोर वाला, लेकिन एग्जॉस्ट नोट मुझे बहुत ही कमाल का लगा। आप बताइएगा आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा इस बाइक का, और ओवरऑल लुक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार। जैसे इसका, इस बाइक का पर्पज़ ये है कि सिटी राइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट कर रहा है रॉयल इनफील्ड। और यहाँ पे देखिए आप, एसेसरीज़ का पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेग गार्ड, इंजन गार्ड और फ्रंट वाइजर। और यहाँ पे इसका पर्पज़ यही है कि सिटी राइडिंग के लिए आप इसे लीजिए, वैसे ही पोजिशन किया गया है, सारी गार्ड वगैरह सब कुछ है इसमें। हालाँकि लेडीज़ के लिए जो चौड़ा वाला फुट रेस्ट आता है, फुट रेस्ट, वो नहीं है इसमें, लेकिन हो सकता है आफ्टर मार्केट एसेसरीज आपको मिल जाए। और बाकी जो सीट वगैरह है वो कंफर्टेबल है, अगर ओकेजनल हाईवे राइड्स भी आप करना चाहते हैं तो सेम मीटियोर और क्लासिक वाला इंजन है, आप इसे लेके हाईवे पे भी निकल सकते हैं। तो ये है इस बाइक का कॉन्सेप्ट, इसे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट किया गया है, और मतलब इसे डिज़ाइन किया गया है इसीलिए इसे आप सिटी वगैरह में भी चला सकें। आइए एक और फीचर दिखाते हैं इसका, जो LED इंडिकेटर्स इसमें इंस्टॉल हुए हैं कैसे दिखते हैं हजार्ड लैंप ऑन करने के बाद, क्योंकि इसमें ये फीचर भी आता है। तो ये आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं भाई, इनकी जो रोशनी है वो भी बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन है। पीछे भी देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से टेल लैम्प का डिज़ाइन है और उसी में इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यार मुझे तो बाइक काफ़ी अच्छी लगी, बहुत कम टाइम था इसलिए छोटी वीडियो बनाए हमने। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट बताइए कि आपको हंटर कैसी लगी, हमें तो बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ तो ऑन रोड ये वाली वेरियंट 2 लाख के आसपास पड़ रही है। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में ऐसी बाइक मिलना एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ऑप्शन आ गया है इंडियन बायर्स के लिए, मैं तो कहूँगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जो इस जिस तरह से हैंडलिंग इसकी बाइक की बनाई है रॉयल इनफील्ड ने, बिल्कुल ही आपको लगेगा आप एक कोई हल्की बाइक चला रहे हैं। तो अगर आपको लेना है तो एक बार जरूर इसे टेस्ट राइड लेके आप चेक कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो दोस्तों, हंटर के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको हंटर कैसी लगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। बाय बाय, थैंक यू। लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।